कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म 6 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में कंगना रनौत भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। कंगना के फैंस उन्हें इंदिरा गांधी के किरदार में देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। वहीं कंगना भी लगातार फिल्म के प्रमोशन के चलते अलग अलग इंटरव्यू का हिस्सा बन रही है। ऐसे एक इंटरव्यू में कंगना से इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछे गए। इस इंटरव्यू में कंगना रनौत से पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानती हैं, लेकिन क्या फिल्म में इंदिरा गांधी के दौर को जीने के बाद भी वो ऐसा ही मानती हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि इंदिरा गांधी देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, क्योंकि पाकिस्तान के दो टुकड़े तो उन्हीं ने किए थे। इस पर कंगना ने कहा कि क्योंकि आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का अपमान कर रहे हैं। वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था। कंगना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 70s में एक गैस का कनेक्शन लगाने के लिए 6 महीने लगते थे। हमारी फिल्में भी दर्शाती हैं कि आम आदमी फ्रस्ट्रेशन से पूरा भरा हुआ था। तब तो जन आंदोलन हुआ, आज हम लोग अलग दुनिया में हैं। आज भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया में आप देखिएगा, दुर्भाग्यवश मिसेज गांधी की अमेरिका राष्ट्रपति बाहर खड़े रहते थे, किस तरह से बात करते थे, और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा कि आप किसी से कुछ ले नहीं सकते, वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि अगर देश किसी परिवार के हाथ में ना जाकर जनता के हाथ में होता तो शायद ये दौर इतना देरी से ना आता। कंगना ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का अमेरिका में अच्छा स्वागत हुआ था, इंदिरा गांधी भी वही चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ कूटनीति की वजह से वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हम किसी को जज नहीं कर रहे, जो हमें रिसर्च से पता चला हम वही बात कर रहे हैं, और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो जिस तरह से राष्ट्रपति निक्सन ने मिसेज गांधी के साथ व्यवहार किया था, उनसे मिलने के बाद उन्होंने जो उनकी बारे में कहा, आपका दिल दुखेगा, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। गौरतलब है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को मीटिंग से पहले 45 मिनट तक इंतज़ार करवाया था। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।